प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, क्योंकि वो जलाली और सामर्थी ईश्वर है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा बाप की कि उसने ये मौका दिया कि हम आज उसकी हुजूरी में बैठ सकें, परस्तिश कर सकें, परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो सकें। यकीनन तीनों बहनों ने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी रीति से हमको सिखाया है, और ये बात हमको बताई है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर में बना के रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात की होगी, और खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में इन बातों को गांठ बांध के रखें, अमली जामा पहनाएं, ताकि इन बातों के द्वारा हमारा जीवन बदले। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दिया ही इसीलिए जाता है ताकि मैं और आप अपने जीवन को बदल सके। अगर हम परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ केवल मात्र सुनने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो कंप्लीटेशन होती है बात, वो इस तरीके से होती है। सुनने का अर्थ जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल बताती है, सुनना किसे कहते हैं। बाइबल केवल इसको नहीं कहती सुनना कि मैं बोल रहा हूँ और आपके कान में आवाज़ जारी है, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ और आपके कान में जो आवाज़ जारी है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आप उसे कंप्लीट करते हैं, तो एक्चुअल में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। सारी दुनिया में आज यही मसला है। लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते तो हैं, हम वचन सुनते तो हैं। यस, हम सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते नहीं है। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपके जीवन से कि हम उसके वचन के मुताबिक चले। मैं परमेश्वर के वचन को जब कल बैठा पढ़ रहा था तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक पैरेबल, एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने शेयर करा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, तमाम मजलिस को बताया सारी बातें। यीशु मसीह, अधिकतर यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो दृष्टांतों के ऊपर है। स्वर्ग के राज्य के बारे में बाखूबी और बारीकी से जो यीशु मसीह ने समझाया है वो दृष्टांतों में समझाया है, और इसीलिए ताकि मैं और आप बड़े आराम से और बहुत इजीली इस बात को अंडरस्टैंड कर सके। बहुतों के लिए परमेश्वर का राज्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोग सोचते बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर बता रहा है ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर यीशु मसीह का पहला सर्मन अगर हम सुने, अगर याद हो हम में से किसी को, बाइबल पढ़ी हो हमने, और यीशु मसीह ने जो फर्स्ट प्रीचिंग करी थी तो पहला सर्मन ही यही था, मन फिराओ क्योंकि राज्य निकट है। और इंग्लिश में लिखा है इट इज नियर एन हैंड, यानी एक हाथ की दूरी, यानी परमेश्वर का ही राज्य, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की चीजें मुझसे और आपसे ज्यादा दूर नहीं है। ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक हाथ का मतलब होता है आराम से हासिल कर लेना, कि बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे बिस्तरे पे मिल जाना, बिस्तरे पे ही सब चीजें मिल रही, बैठे बैठे वहीं से आवाज लगाई बेबी और बेबी दौड़ी भी आई और लाकर बिस्तरे पे दे दी। मतलब ना उठ के बनाना, ना आलू छीलना, ना अंडे उबालना, ना रोटी बनाना, ना आटे को गूंदना, कुछ नहीं करना, बस आवाज लगाई, मम्मी आई और आके वहीं बेड पे दे दिया बड़े आराम से। परमेश्वर बता रहा है हमारे लिए चीजें इतनी इजी कर रखी उसने, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पास बैड एक्सपीरियंसेस हैं इन बातों के, जो कहते हैं हम तो इतने समय से इन चीज़ों के लिए, फलानी चीज़ के लिए, अपनी फलानी प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए दुआएं करें, लेकिन हमें कुछ असर नहीं दिख रहा है। हो सकता है, आई एग्री, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुई है चीज़ें? ये कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हुई हैं क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को बदला नहीं है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं आएगा परमेश्वर का राज्य हमें आसानी से नहीं मिलेगा। और यही बात परमेश्वर मुझे और आपको बहुत इजीली सिखाना मांग रहा है। और यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के द्वारा, जो मत्ती 13वें अध्याय में दृष्टांत, पूरा मत्ती का 13वां अध्याय दृष्टांतों से भरा हुआ है, और इसके अंदर एक बहुत उम्दा दृष्टांत लिखा है जो एक मोती के विषय में बताया गया है, जिसको लिखा उसका टाइटल ही यह है, अनमोल मोती। तो मैं सोचने लगा, खुदा बाप इसको अनमोल क्यों कहा गया है? मोती तो मोती है, बट वाई अनमोल? अनमोल का मतलब जानते किसे कहते हैं? प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसका मतलब दुनिया में मोती तो बहुत है जिनकी कीमत है,
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कीमत नहीं आकी जा सकती, जो बहुत ज़्यादा है हमारी सोच से बढ़कर। इसका मतलब खुदा बाप आज ऐसे मोती के बारे में बात करना मांग रहा है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो, मतलब हम आंक नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी समझ से बढ़कर खुदा बाप हमारी ज़िंदगी को ऐसा बेहतर बनाना मांग रहा है। मैं चाहता हूँ निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 45 और उसकी 46। यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझसे और आपसे बात करें। पढ़ें। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। जी हाँ। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जी। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला। हाँ जी। तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। हाँ। और उसे मोल ले। हालेलुया। यानी इस मोती की कीमत इतनी थी कि इस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया। आज कुछ बात करूंगा आपसे, मैं बहुत सिंपली वे में आपके साथ कुछ एक चीज सिखाना मांगूंगा। यहाँ पे दो बातें हैं, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक करैक्टर है व्यापारी का और एक करैक्टर है मोती का। यहाँ व्यापारी और कोई नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, और मोती और कोई नहीं, मैं और आप। जैसे यहाँ पे लिखा है कि व्यापारी ने उस मोती के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। खुदा बाप से हम यही चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करे, जो हो सकता है खुदा करे। यस, खुदा करने को तैयार है। मेरी और आपकी सोच से बढ़कर, मेरी और आपकी समझ से बढ़कर, मेरे और आपके दायरे से बाहर जाके खुदा करने को तैयार है। बाइबल में लिखा है, पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कहता है, और उसने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी चीजें रखी हैं जो ना आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना मनुष्य के चित्त पे। Beyond the imagination, हमारी imagination से बाहर जाकर खुदा हमारे लिए काम करने को तैयार है। रोमियो की किताब अगर उसका 8वां अध्याय 32वीं आयत पढ़े तो वहां पे साफ तरीके से ये वाली बात लिखी जा चुकी है जो पौलुस प्रेरित के द्वारा बताई गई है कि जिसने अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा वो उसके साथ हमें और क्यों कर कुछ क्यों ना देगा। ये रोमियो 8वां अध्याय, जिसने अपने इकलौते बेटे को ना रख छोड़ा उसने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपने इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई ये वाला काम करेगा, सिर्फ यहां पे बात ही नहीं हो रही कि ईसाइयों की बात हो रही है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी की बात हो रही है, यहां बात हो रही है दुनिया में रहने वाली हर एक कम्युनिटी की, हर एक जाति की, हर एक प्रजा की, हर एक धर्म के इंसान की बात हो रही है। और बाइबल कह रही है ये वाली बात, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने इकलौते बेटे को बिना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए, लेकिन उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ, ध्यान से सुनिएगा, अपने बेटे के साथ हमें और सब कुछ, और सब कुछ क्यों नहीं देगा। ये डाउट क्यों हमारे माइंड के अंदर कि खुदा ये नहीं कर सकता, अरे क्यों नहीं कर सकता, जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, अपनी मोस्ट बिलव्ड थिंग। हम अपना एक रुपया किसी के लिए खर्च नहीं कर सकते आज की तारीख में, तो अपना बच्चा किसी के लिए क्यों दे देंगे, चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारा अजीज क्यों ना हो, हमारा दोस्त क्यों ना हो। कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो तुरंत अपने बच्चों को हम लेके अंदर आ जाते, नहीं तुम मत जाओ, नहीं मेरा दोस्त, अरे दोस्त वो सब बाद में देखा जाएगा, अंदर आओ। चाहे कोई किसी से कितना प्यार करता हो, कोई नहीं करेगा ये वाली चीज कि किसी के बदले में अपने आप को कुर्बान कर दे या किसी के लिए अपना बच्चा दे दे। कोई अपनी गाड़ी तक नहीं देता है, कोई अपनी बाइक नहीं देता, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो भरवाएगा कौन, इंडिकेटर टूट गया पंचर हो गया तो लगवाया, तुम तो लाके खड़ी कर दोगे, पड़ेगी तो हमारे सर पे। बट थैंक्स टू गॉड जिसने अपना बेटा हमारे लिए विदाउट एनी कंडीशन दे दिया। सवाल जानते हैं क्या है, उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। तो क्यों अपने दिमाग में सोच रहे हो कि खाना कहां से खाएंगे, क्यों अपने दिमाग में सोच रहे हो ये तकलीफ क्यों कैसे चली जाएगी, ये हो क्यों नहीं रहा, अरे खुदा सब करने को तैयार है तो फिर हो क्यों नहीं रहा। यहां पे लिखा है व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया, यानी व्यापारी को उस मोती की वैल्यू मालूम है। आपके व्यापारी को आपकी वैल्यू मालूम है, ही नो योर वैल्यू, उसे पता है कि आप कितने कीमती हो, और इसीलिए उसने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। और अगर आप चाहते हो कि इसके साथ आपके लिए और भी कुछ जोड़े जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या है, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या समस्या है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापारी, वो व्यापारी जो सारी दुनिया में मोतियों को खोज रहा है, वो व्यापारी जो अपने लिए एक बड़ी सी हार तैयार कर रहा है कि उसमें चुनिंदा
बेशकीमती नग लगा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसकी शोभा बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं उसके गले का हार बनूं, मैं चाहता हूं कि उसके उसके अंगूठी का मैं नग बनूं, तो जानते मुझे और आपको करना क्या पड़ेगा? सिर्फ मोती नहीं बनना है, बल्कि मुझे बहुमूल्य मोती, यानी मुझे अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत को पैदा करना। क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत को पैदा नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक आसमान का खुदा मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन बना रहूंगा, एक नॉर्मल क्रिश्चियन बना रहूंगा, तो मेरे लिए खुदाबाप ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि खुदाबाप मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, तो आए खुदा के लोगों, मुझे और आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत है। सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कही जा रही है, मैं सही बात कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो भजन संहिता की किताब और उसका 45वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अंदर यहां दाऊद राजा कुछ यूं बात कर रहा है। खुदा साफ क्लियरली कह रहा है कि ये व्यापारी मोतियों की तलाश में निकला, लेकिन उसे एक ऐसा मोती मिला जो बहुमूल्य मोती था, यानी इस मोती के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत थी। और यही काबिलियत खुदा हमारे अंदर देखना मांग रहा है। अगर वो काबिलियत मेरे परिवार में, वो काबिलियत मेरे बच्चों में, वो काबिलियत मेरे आदमी में, वो काबिलियत मेरी औरत में नजर नहीं आएगी, तो मेरा खुदा मेरे लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ, जो मैं सोचता हूं, मेरी समझ से, मेरी सोच से, मेरी पहुंच से ज्यादा मेरे लिए काम करे, तो मुझे अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 45 और उसकी दूसरी आयत पढ़िए। ध्यान से सुनिएगा, यहां यह नहीं लिखा कि तू मनुष्यों की संतानों में सुंदर है, तेरी सुंदरता है, लेकिन एक वर्ड यहां पे जोड़ा गया है जो अलंकारित करता है इसको, इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। हालेलुया। कॉन्टेस्ट में भाग तो बहुत सी लड़कियां लेती हैं, बहुत आती हैं जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाती हैं, अपनी अपनी कंट्री की सब सुंदर होती हैं, लेकिन ताज तो एक ही को मिलता है जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनती है। क्या मैंने और आपने अपनी काबिलियत को ऐसा बनाया कि वो ताज मेरे ऊपर रखा जाए? हाँ, मैं सुंदर हूं, मुझे तेरी सुंदरता की कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं चुनूंगा उसी को जो तुम में सबसे ज्यादा सुंदर होगी। डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डिनरी। खुदा आज एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, कि हम ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा करें, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आएंगे। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी होगी, दुआ तो सभी करते हैं, बाइबल तो सभी पढ़ते हैं, चर्च तो सभी जाते हैं, दसवांश तो सभी देते हैं, अब इसमें कौन सी बड़ी बात, अब इसमें क्या खासियत? नहीं, दुआ तो सब करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुआ देखना मांग रहा हूं कि जब तू सब कुछ भूल जाए, जैसे बाइबल में लिखा है, जब दानियल को पता चल गया कि उस नविष्य पे हस्ताक्षर हो चुके हैं कि भैया अब कोई 30 दिन तक दुआ नहीं करेगा, तो एक वर्ड वहां पे लिखा गया है कि दानियल अपने समय के अनुसार जैसे दिन में 3 बार दुआ करता था गया प्रार्थना करने। यानी कि दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन जब मालूम हो जाए कि प्रॉब्लम चल रही है, मालूम हो जाए कि बेरोजगारी चल रही है, मालूम हो जाए कि अब रिश्ता टूट गया है, मालूम हो गया कि उसने छोड़ दिया है, तो देखिए कितने लोग होते जो इस समय में प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब नौकरी छूट जाती कितने लोग दुआ करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, जब किसी से टंटा हो जाता है कितनी दुआ करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, जब किसी ने दिल तोड़ दिया तब कितनी दुआ करते हैं? व्हाट्सएप पे स्टेटस देखिए कैसे कैसे वाले लगाते हैं, आई फील लोनली, अपसेट, और वो ईमो बना देते हैं, वो नीचे लटका वाला, पता नहीं क्या क्या शायरी, ऐसी दिल तोड़ शायरी कि लगता है कि भैया इसी के पास बैठ जाओ, इसके कंधे अपना कंधा दे दो, इसके आंसू पोंछ दो। लेकिन बाइबल बताती है जब तुम में कोई दुखी हो, याकूब की किताब में लिखा है, जब तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। When you feel sad, when you feel lonely, when you feel alone, go and do prayer. तब जाओ और दुआ करना शुरू कर दो। हालेलुया। जो स्त्रियों में परम सुंदर है, दसवांश तो सभी देते हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना देता हो, बहुत कम होंगे जो नहीं देते होंगे, लेकिन मोस्टली क्रिश्चियंस जो विश्वासी हैं वो दसवांश देते हैं। अब क्या हम कैसे डाल दें? जब सैलरी नहीं आ रही तो दही की कैसे दे? जब सैलरी नहीं आ रही तो मोबाइल भी तो चार्ज करा रहे हैं, जब सैलरी नहीं आ रही घर में राशन भी तो डलवा रहे हैं, जब सैलरी नहीं आ रही तो हम अपना बिजली का बिल भी तो पे करेंगे, तो जब सैलरी नहीं आ रही तो क्या हम अपनी टाइथ नहीं डाल सकते? जो स्त्रियों में परम सुंदर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज, बट खुदा का कलाम आज बात कर रहा है सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज से। क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे राजा हम पे निगाह नहीं करेगा,
राजा उसी पे निगाह करेगा जो एक स्टेटस किसी ने डाला कि 135 करोड़ लोगों में से अगर मैंने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब तुम बहुत खास हो। बड़ी सोचने वाली बात है, जिसने भी लाइन लिखी है बड़ी सोचने वाली बात है कि 135 करोड़ में से किसी को चुना है तो बड़े खास हो, तो इसका मतलब सोचिए सारी दुनिया में से अगर खुदा मुझे चुनेगा तो जरूर कुछ खास होना चाहिए, तभी तो चुनेगा। अब ऐसा मैं घर में पड़ा सोता रहूं, मैं बाइबल ना पढूं, मैं दुआ ना करूं, मैं स्किप करता जाऊं अपनी प्रेयर को, मैं गीत ना गाऊं, मैं ठूठ सा यूं खड़ा रहूं दुआ के अंदर, वहां गा रहे हालेलुया स्तुति महिमा, मैं यूं ठूठ सा खड़ा हुआ और मैं कहूं खुदा मुझे चुन ले, अरे ऐसे को खुदा नहीं चुनता। Do something extra from ordinary, जो मेरा बगल वाला नहीं कर रहा मुझे वो वाला काम करना है, मुझे को अपने आप को अनमोल मोती बना के दिखाना है। देखिए मैं एक जगह ले जाऊंगा, श्रेष्ठ गीत की किताब उसका चौथा अध्याय और उसकी सातवीं आयत पढ़िए। हे मेरी प्रिय, सुनिए यहां दूल्हा अपनी दुल्हन से बात कर रहा है और कह रहा है हे मेरी प्रिय, क्या लिखा है, तू सर्वांग यानी तेरी सुंदरता, मतलब ब्यूटी, ऐसे से ब्यूटीफुल की बात नहीं हो रही, यहां पे लिखा है टू ब्यूटीफुल, टू गॉर्जियस, मतलब बयान नहीं कर सकते, अल्फाज नहीं है, तू सर्वांग सुंदरी है। आपने देखा होगा जब शादी वाला दिन होता है तो दुल्हन को अलग से मेकअप किया जाता है, वो ऑर्डिनरी मेकअप नहीं होता जो वो डेली करती है, बिल्कुल अलग ही मेकअप होता है, काली भी गोरी नजर आती है, जिसके दाग धब्बे होते वो भी सब गायब हो जाते हैं। अरे ये वही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल चेंज होती है, तब उसके लिप्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, वैसे तो फटे हुए दत्तों सी होती है, बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन उस दिन भी वो खूबसूरत नजर आ रही होती है, जानते हैं क्यों, मतलब अलग से उसकी ब्यूटी, मतलब तभी तो तीन तीन चार चार घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हैं, सुबह के गए हुए शाम को आते निकल के बाहर, मतलब उन्हें अपने आप को अलग दिखाना होता है, क्योंकि शादी वाले दिन बहुत सी लेडीज आती हैं, बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो मेकअप करके आती हैं, बट दुल्हन ऐसी होती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेन है वो, उस दिन वो क्वीन है। आप बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप बहुत अच्छी इबादत करते हैं, आप बहुत अच्छा चर्च जाते हैं, सब कुछ, लेकिन क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने को तैयार है, ऐसी काबिलियत है कि लोग आपके विषय में बात करें कि उसकी दुआ देखी। बाइबल में लिखा है इसका मतलब खुदा बाप अक्सर अपने राज्य में अय्यूब की चर्चा करता था, तभी उसकी जुबान पे अय्यूब का नाम था, मेरे दास अय्यूब को देगा, कोई और दिखा नहीं, इसका मतलब अय्यूब की खूबसूरती इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ खुदा को अय्यूब ही नजर आ रहा था, अगर किसी से भी बात करता था अय्यूब, एग्जाम्पल अय्यूब का ही देता था, जैसे बहुत बार होता है ना घर में या परिवार में होता है कि जब किसी का एग्जाम्पल देते, पापा उसी की बात करते हो तुम, तो हमें उससे कंपेयर मत करा करो, उसी की बात तुम करते हो साहब, बस तुम वही, तुम उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं के पराठे तुम्हें पसंद है, वहीं बैठो तुम वहीं खाया करो, जब भी पराठा बनाओ वैसा पराठा नहीं बनाया, वैसा शुरुआत, यानी कि मतलब दिमाग में इस कदर बस चुका है वो पराठा, वो शुरुआत इस कदर बस चुका है कि अब हमें हर जगह वही वैसा ही चाहिए होता, मतलब एक खाते तो बहुत है, मतलब बहुत जगह पे खाया, लेकिन समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है वहां पर, ऐसा क्या हमने अपने आप को ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया कि खुदा हमारे बारे में बात करे, तू स्त्रियों में सर्वांग सुंदरी है, बहुत खूबसूरत है तू, स्त्रियां तो मैंने बहुत सी देखी, सुलेमान के पास हजार रानियां थी, 1000 क्वींस थी इसके पास, लेकिन फिर भी कह रहा है कि तू उन सब में सबसे अलग है। दुनिया में बहुत से हैं इबादत करने वाले, करोड़ों लोग हैं जो संडे के दिन इबादत कर रहे होंगे, लेकिन आपकी इबादत क्या ऐसी है कि खुदा सबको छोड़ के आपकी तरफ देखे, ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप, सिर्फ चर्च जाना एक्स्ट्रा नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी है, बीइंग एज ए क्रिश्चियन चर्च जाना, बीइंग एज ए क्रिश्चियन आप बाइबल पढ़े, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बट खुदा मांग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा करिए। मैं चाहूंगा कि एक जगह और लेके जाऊं, इसी का पांचवा अध्याय श्रेष्ठ गीत और उसकी नवी आयत को पढ़िए, क्या लिखा, जी हाँ 5:9, वाओ, स्त्रियों में परम सुंदरी, यानी कि सुंदरता को परम सीमा तक लेकर जाना है, आपको अपनी सुंदरता परम सीमा तक लेकर जाना है। जैसे मैंने हिस्ट्री का, मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और अक्सर मैं हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के बारे में जानना, उनकी बैक स्टोरीज को पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक जब हिस्ट्री की किताब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, बट मैं हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहा था ये वाली बात कि दुनिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत महिला हुआ करती थी और कहा जाता है कि अब तक उतनी खूबसूरत महिला नहीं हो पाई है दुनिया के अंदर, उसको मिस्र की वो रानी थी और उसका नाम था क्लियोपेट्रा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, मतलब बड़े बड़े राजा उसके साथ शादी करने के लिए अपनी सल्तनत तक उसको देने को तैयार थे और बहुत दुनिया की खूबसूरत, मतलब बड़े बड़े शहंशाह सुल्तान
वो अपने राज्य उसको देने को तैयार थे कि वो उनके साथ शादी कर ले। क्लियोपेट्रा, कुछ था उसके अंदर, तभी तो बड़े बड़े राजा उसके साथ शादी करने को तैयार थे। अगर आप चाहते कि आपका राजा आपसे शादी करे, परम सुंदर बनाइए अपने आप को। किस तरीके से हम अपनी ब्यूटी को निखार रहे हैं कि हमारा राजा हमको देखे और अटक जाए। जैसे कहते ना लव एट फर्स्ट साइट, कि एक बार देखा और अटक गए। गाना है ना तुम पर अटके हैं यारा, अटक जाए। बिल्कुल वही, खुदा हमको देख के अटक जाए, यूं सर घुमाओ तो यूं ही खुदा देखता रह जाए हमें। अगर आप चाहते हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके जीवन में ऐसा हुआ है। और इनको करने के लिए कोई बड़े आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी है। एक बहुत मामूली भिखारी था, और वो एक ऐसा भिखारी था कि जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा तो लिखा यीशु मसीह रुक गया और कहने लगा जाओ बुला के लाओ उसे, और उसे बुला के लाया। ये तिमाई का पुत्र बर्तुलमाई था, अंधा भिखारी, उसने यीशु मसीह को रोक दिया, उसकी यात्रा को रुकवा दिया। यीशु मसीह को रुकना नहीं था लेकिन रुक गया। एक औरत थी, बहुत बीमार औरत थी, बहुत कमजोर औरत थी ये। इस औरत के पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी, ये तो भिखारी तो चिल्ला भी रहा था, लेकिन ये औरत चिल्ला भी नहीं पा रही थी, लेकिन यीशु मसीह रुक गया और कहने लगा मुझ में से सामर्थ्य निकली है क्योंकि किसी ने मुझे छुआ है। पतरस कहने लगा छू तो तुझे बहुत लोग रहे हैं, हजारों की भीड़ तेरे पीछे चली है। नहीं, ये अलग है क्योंकि इसकी सुंदरता सबसे अलग है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। आई फील, जब आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी आपके राजा के अंदर से आपके लिए सामर्थ्य रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदा बाप, ये वचन जो आज दिया गया है बहुत से लोगों ने सुना है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर सामर्थ्य दे कि वो सिर्फ मोती ना बने रहें, वरन अपने आप को बहुमूल्य मोती बनाए। तेरा आत्मा इनके साथ बात करे और ये वचन इनके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, एस 410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891515223।